अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ, मैं हूं आशिया खान। एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू की बेटी, उधमपुर की रहने वाली हैं ये, तहसील मजालता से। ये एडवोकेट भी हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स पर काम किया है इन्होंने। और एक बहुत ही ख़ास बात, इनको US से प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी बोर्ड से इनको सम्मानित किया गया है कोरोना वॉरियर के तहत। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कोरोना वॉरियर, आप हमारे व्यूअर से ये शेयर करें कि कोरोना वॉरियर में आपने किस तरह काम किया है, क्यों आपको डर नहीं लगा कि वायरस के चलते आप बाहर जाएंगी, कि ये वायरस आपको भी इफेक्ट कर सकता है? देखिए, डर तो लगता है, जान को तो सबको प्यारी होती है, पर ऐसा है कि ये जो कोरोना टाइम में, लॉकडाउन टाइम में, ये इस टाइम जितनी सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है, उस टाइम मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ज़रूरत थी। क्योंकि हम हर एक इंसान जो है इस टाइम ट्रॉमा से गुजर रहा है, बीट फिज़िकली, मेंटली, क्राइम्स रेट जो है, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ गया है। इस टाइम जितनी हम लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे के सपोर्ट में आने की, खड़े होने की, इससे पहले आई डोंट थिंक सो ज़रूरत थी। तो डर तो लगता ही है, ऑब्वियसली जब जान पे बात आती है तो डर तो लगता ही है, पर हाँ, डर से कहते हैं डर के आगे जीत है, एंड वही चीज़ करनी पड़ी। एंड अभी रिसेंटली मैंने ये जो है एक बहुत सारे दो तीन जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स किए हैं उसके लिए भी, आप कह लीजिए कि ये अवार्ड जो आप बोल रही हैं उसके लिए भी मिला है। बट येस, आई एम एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स, तो वो लोग जो हैं उन चीज़ों को वो उन्होंने रिकोगनाइज़ किया अब तक मेरे जितने भी काम हैं, एंड उन चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली मुझे जो है ये अवार्ड दिया गया। आप एक लॉयर भी हैं, आप जम्मू से ही आपने प्रैक्टिस किया हाई कोर्ट से? देखिए, मैंने 2017 पास आउट हूँ मैं फ्रॉम द लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी, एंड मैंने जो पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ही स्टार्ट की प्रैक्टिस, एंड राइट नाउ आई एम यू नो स्टार्टिंग माय प्रैक्टिस इन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। उधमपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, आप वहाँ से हैं, आपको किस तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? उधमपुर, एक्चुअली मैं बेसिकली उधमपुर से भी नहीं हूँ, वहाँ विलेज बट्टल पड़ता है, तहसील मजालता, वहाँ मैं पहली लड़की हूँ जिसने एडवोकेसी की है, एंड ये मेरे लिए वहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ तो यू नो पीपल ऑफ दैट एरिया फील वेरी प्राउड कि नहीं, हमारी बेटी है यहाँ पर, इसने LLB किया हुआ है एंड शी इज़ एन एडवोकेट। तो मैं कहूँगी कि रूरल एरियाज़ में क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक वायलेंस की, फैमिली मैटर्स बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर पर्टिकुलरली चाइल्ड राइट्स एंड वुमेन राइट्स। तो मैं कहूँगी कि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो औरतों को बहुत आती है, उनको यू नो हस्बैंड मारता है, उसके इन लॉज जो है मारते पीटते हैं, उनको फिजिकली, वर्बली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट जो आप बनी हैं उसके लिए, मतलब आपका यही मकसद है कि आप इन सब चीज़ों से को आपने नज़र में रख के फिर आप आगे आई हैं? देखिए, मेरे को ऐसा नहीं है कि सोशल एक्टिविस्ट मैं बनी हूँ। सोशल एक्टिविस्ट, एक्टिविज़म इज़ समथिंग लाइक दैट व्हेन यू हैव डन द LLB ना, आपको लॉ स्कूल डेज में ही बताया जाता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या हैं, वो हमारे चीज़ में, हमारे दिमाग में वो इतनी घर कर जाती है वो बात, कि हम लोगों को रहता है कि नहीं यार, इट इज़ आर राइट एंड वी हैव टू फाइट फॉर देयर राइट, वी हैव टू फाइट फॉर, इफ़ आई हैव डन LLB तो मैंने लॉ पढ़ा है, तो अगर मुझे मेरे राइट्स के बारे में अवेयरनेस है तो वाई शुड आई यू नो मैं सोसाइटी की क्यों ना हेल्प करूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यू नो यू डोंट हैव दैट मच सोर्सेज टू डू समथिंग मोर। बट येस, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे सपोर्ट में हैं, तो मुझे नहीं लगता you know, उन्होंने मेरे को कभी खींचने की कोशिश नहीं की। दे ऑलवेज टोल्ड मी दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू योर बेस्ट, एंड मैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट से ये सब कर पा रही हूँ, और अब मेरे काम को रिकॉग्निशन मिल रही है। यू नो, जब आपको आपके काम को रिकॉग्निशन मिलती है तो इट एनकरेज यू टू डू मोर, यू नो, मोर फॉर द सोसाइटी, एंड आई एम ट्राइंग माई बिट, लेट्स सी, देर आर लॉट मोर टू डू। अभी मैं कहूँगी कि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है सोसाइटी के लिए, जितना भी मैं कर सकूँ। वो मार्जिनलाइज सोसाइटी, वुमेन, बच्चे, जो मतलब कि जिन लोगों तक लीगल हेल्प नहीं पहुंचती है, जिन लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिन लोगों को, जिनके साथ बुरा होता है बट दे डोंट हैव एनी यू नो अवेयरनेस, उनकी साइड में कोई हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो अगर आप एजुकेटेड हैं, मैं यही बोलूँगी कि इफ़ यू नो जो लोग एजुकेटेड हैं उनको चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन का प्रॉपर यूज़ करें। सिर्फ यू नो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग पैसा ना कमाएं, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट
साइड बाय साइड आप एक कॉज को पकड़ लें और उस कॉज के लिए काम करें, ताकि हम लोग सब मिलकर चलें और एक दिन ऐसा हो कि ये जो सोसाइटी है हमारी वो सब, मतलब यू नो, पीस, डेवलपमेंट, इन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ सकें इकट्ठे। आपका एक स्कूल है मस्ती की पाठशाला, दैट इज़ इवनिंग स्कूल, जो शाम के टाइम आप वहाँ पे टीचिंग देती हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका क्या मिशन विजन है स्कूल को लेकर। देखिए, स्कूल मस्ती की पाठशाला मैंने अराउंड 2 ईयर्स बैक स्टार्ट किया था विद ओनली 2 चिल्ड्रन, तब खुशी और रघु जो हैं वो चिल्ड्रन आते थे। आज वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स? अभी इस टाइम मैं कहूँगी कि 40, मोर देन 40 ही हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से तो मैं उनको पढ़ा नहीं पा रही हूँ, लेकिन 40 चिल्ड्रन आते हैं, शाम को आते हैं पढ़ने, 3 to 5, 3 to 6 भी जाता है कभी टाइम। तो ये बच्चे जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर, वो रैग पिकिंग में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ, कुछ फादर्स के साथ लगे हैं, लड़कियाँ कुछ जो हैं वो कहीं जाके घरों में काम करती हैं। अब ये लॉस तो हैं, मैंने गवर्नमेंट में जो भी एजेंसीज पर्टिकुलरली वर्क करती हैं उनको तो मैं बोलती हूँ, बट एजुकेशन जो है उसको हम सबसे ऊपर रख के मैं इन बच्चों को, मतलब आई ट्राई टू कन्विंस देयर पेरेंट्स। एक्चुअली इनके पेरेंट्स जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है। वो एजुकेशन को इतना यूज़लेस समझते हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये बच्चा 14 साल का हमारा अभी पैसे ला रहा है तो हमें क्या करना है इसको एजुकेशन देके। पर ये उनका ब्रॉड माइंड नहीं है कि यही बच्चा अगर कल को आप इसको अभी एजुकेशन देंगे तो ये आपकी पूरी कंडीशन को चेंज कर सकता है। अगर आप इस टाइम कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो ये बच्चा अगर पढ़ के आपको अच्छी लाइफ दे सकता है, तो वो चीज़ सबसे चैलेंजिंग होती है। एंड यस, लॉज हैं हमारे बहुत सारे, उन लॉज की हेल्प से अगर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। लेट्स सी, आई हैव टू डू लॉट मोर। मेरे को अभी, मेरा ये विजन है कि मैं जम्मू कश्मीर में और भी मस्ती की पाठशालाएँ खोलूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मस्ती की पाठशाला हो, क्योंकि वो बच्चे, दोस्त हुआ आउट ऑफ स्कूल एंड जिन्होंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो वो बच्चे एटलीस्ट शाम को यहाँ पर एजुकेशन लेने आएँ। जब एजुकेशन वो लेंगे तो उनका माइंड सेट ऑलरेडी यू नो रेडी हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि नहीं, वी हैव टू एनरोल टू द पर्टिकुलर स्कूल। एंड आई विल डेफिनेटली, जब उनके वो बच्चे माइंड सेट उनका रेडी हो जाएगा, मैं उनको डेफिनेटली जो है नियर बाय स्कूल्स हैं उनके वो एनरोल करवाऊंगी, और ये मैं कमिटेड हूँ इस काम के। अगर मैं अपने एक एक्सपीरियंस की बात करूँ, बीएड टाइम जब मैं टीचिंग करती थी, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था स्लम में जाने का, तो वहाँ पे जाके मैं स्लम में देखती हूँ कि मदर बच्चे को तैयार करती है अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए, तो जो उसकी बेटी है वो झाड़ू लगा रही होती है, तो मैं उसको जाके बोलती हूँ, जब हम उनकी पिक क्लिक्स कर रहे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि ये स्कूल क्यों नहीं जाएगी, तो मुझे आगे से जवाब मिलता है इसने किसी के घर जाना है, ये क्या करेगी वहाँ पे जाके, तो बेटे ने हमारा सोर्स ऑफ इनकम बनना है, ये स्कूल जाएगा, ये घर का काम करेगा, घर का काम करेगी बेटी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ऐसी सोच वालों, जिनकी बहुत ही सोच ऐसी है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं जैसे आप बोल रहे हैं कि ये मदर बोल रही थी, हाँ जी, तो मदर जो है, अगर मदर ऐसा बोलेगी, आपके पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे, तो वो बच्ची आई डोंट थिंक सो कि वो स्कूल जा भी पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं अगर वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी जो होती है ना बैकबोन, दैट इज़ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स, अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स, तो पेरेंट्स अगर अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बेटे को स्कूल भेज रहे हैं और बेटी को यूजलेस समझते हैं कि नहीं, शी हैव टू गो टू सम, यू नो, इसने तो पराया धन है एंड ऑल दैट, तो अगर वो ये सब करेंगे तो हम कैसे सोचें कि वो आगे बढ़ पाएगी? पेरेंट्स को अवेयरनेस, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सिविल सोसाइटी। मैं सिर्फ कहूँगी कि गवर्नमेंट, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड, ऑफिशियल्स हैं, मैं कोई गवर्नमेंट पे अपने वो नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हाँ, यू हैव द पावर, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास पावर है। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज तो बहुत सी स्टार्ट की हैं, लाडली बेटी स्कीम, गर्ल इनरोलमेंट वाली, पर ऐसी स्कीम सिर्फ बोली जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुई जाती। एग्जैक्टली, आपने आशा जी ठीक बोला है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, लॉज बहुत ज़्यादा हैं, पार्लियामेंट ने पास किए, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए थे, लेकिन बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। लॉज तो बहुत है, मैं इसमें कोई चीज़ डिनाई नहीं करती हूँ कि लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं हमारे, अगर हमारे आप क्रिमिनल लॉज पढ़ेंगे, वहाँ पर इतनी पनिशमेंट्स हैं ऐसे चाइल्ड लेबर लॉज के लिए, कि अगर कोई चाइल्ड लेबर के लिए वो करता है तो उसको फाइन इम्पोज होता है, सज़ा भी है, हर चीज़ है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर भी हम देखते हैं यार, कहीं ढाबे में ही चले जाएंगे, छोटू मिलेगा ही मिलेगा कोई ना कोई, चाय की दुकान में जाओगे छोटू मिलेगा ही मिलेगा, तो प्रॉब्लम इज़ कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। अब आप गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मैं एडवोकेट हूँ, हम सिविल सोसाइटी हैं, हम लोग जो हैं हम अपना बिट कर सकते हैं, हमारा जितना बनता है हम कर सकते हैं, बट द पावर इज़ विद इन द गवर्नमेंट एजेंसीज़। उनको चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पास पावर है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ बना के पेपर वर्क में रख के उसको कुछ नहीं होगा,
उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हम कभी मतलब डेवलपमेंट की बात तो करते हैं पर अगर बेसिक हम रूट कॉज को ही नहीं पकड़ेंगे तो डेवलपमेंट तो दूर की बात रही है। अगर राइट टू एजुकेशन की बात करें, फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ कागज़ों में ही है, देखने को नहीं मिलता कि सच में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। राइट टू एक्ट तो उनका है, मतलब एजुकेशन का। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, इट्स अ फंडामेंटल राइट, बट इम्प्लीमेंटेशन अगेन इज़ द प्रॉब्लम। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एक डेटा अगर आप निकालेंगे ना गूगल में, नया कोई भी डेटा निकला होगा NCERB का, कोई भी एजेंसीज का डेटा निकला होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आज तक स्कूल ही नहीं देखा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने स्कूल देखा, वो गए बट बीच में ड्रॉप आउट कर गए। वो क्यों, रीज़न क्या है? सम कुछ रीजन्स ये होते हैं कि लड़कियों के लिए स्कूल में अलग बाथरूम्स नहीं, टॉयलेट नहीं बने होते हैं। अब ये टॉयलेट बनाने का जिम्मा गवर्नमेंट स्कूल में, आपको इतने सारे फंड्स वगैरह, एजुकेशन सिस्टम में हमारा इतना सारा यू नो फंड्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर आप एक स्कूल में लेडीज़ के लिए, बच्चों के, लड़कियों के जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए अलग बाथरूम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लड़की स्कूल में पढ़ेगी? तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं दे आर यू नो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर प्रॉपर वो होता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल लाइक यू नो लोअर मिडिल क्लास, दोज हु बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, दे कांट अफोर्ड दैट एजुकेशन। एंड हाँ, उनके लिए कोटा है, बट कोटा भी अगेन वो लॉस में ही है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज़ अगेन द प्रॉब्लम। एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें, वी हैव टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। आई एम नॉट यू नो आई अलोन कैन नॉट डू समथिंग, पीपल लाइक यू, लाइक पीपल यू नो जो मीडिया में इन्वॉल्व हैं, जो ये इसमें एडवोकेसी में हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं सोसाइटी के, दे हैव टू डू कि मतलब सेमिनार्स एंड वेबिनार्स करने से अच्छा है कि ग्राउंड में काम करें, काम किया जाए। वो सेमिनार करने से कुछ नहीं होगा, हमें ग्राउंड पे काम करके ये जो हमारी जो जितनी भी ये लॉज वगैरह हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का, आई थिंक इससे ज़्यादा राइट टाइम कभी नहीं होगा, क्योंकि हम और ज़्यादा पीछे जा रहे हैं अब तो लॉकडाउन की वजह से। तो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में J&K की, हाल ही में अभी मैंने ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, उनको एक लेटर भी लिखी थी, अर्जेंट लेटर, कि आप स्यू मोटो कॉग्निजेंस लें इस चीज़ के लिए, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस राइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब्यूज़र्स तो फैमिली के अंदर होते हैं ज़्यादा केसेस में, अब्यूज़र्स के साथ वो दिन रात रह रहे हैं। आपने कोई इसके लिए कोई वो निकाला है, कोई पर्टिकुलर वो? अभी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में इतना राइज हुआ है, तो रीज़न्स क्या हैं? क्योंकि आप जब तक गवर्नमेंट एजेंसीज जो हमारी हैं वो काम नहीं करेंगी इन चीज़ों को वो करने के लिए, बेटर करने के लिए, आई डोंट थिंक सो ये राइज होते जाएंगे। एंड प्रॉपर यू नो हम डेवलपमेंट की बात करें, वो तो एक फार ड्रीम है, वो तो कभी हम अचीव। अगर वुमेन की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, तो आप उस पर क्या जस्टिफाई करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप पिछले डाटाज देखें और अब के डाटाज देखें, आपको क्या फ़र्क लगता है उसमें? देखिए नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट में डेवलपमेंट, अगर हम 20 साल पहले चले जाएँ तो उसको जब अभी से कंपेयर करें तो हमने बहुत कुछ अचीव किया है, नो डाउट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वी हैव टू डू फास्टर, क्योंकि जो है टाइम है वो बहुत यू नो 21st century है, वी हैव टू डू फास्टर। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी विमेन जो हैं वो 50% ऑफ पॉपुलेशन वो करती हैं पार्ट है उसके, तो हमें चाहिए कि हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स निकाल रहे हैं उसको ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी, वो चीज़ का, क्योंकि जो देखिए विलेज लेवल पे सरपंच होते हैं, तो वो ही अगर वहाँ से गड़बड़ हो जाए ना प्रॉब्लम में, तो वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जो होता है वो अलग ही डेटा जाता है। ऑन ग्राउंड काम जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वहाँ से काम परफेक्ट तरीके से चलेगा, हमारी पंचायतों से परफेक्ट तरीके से काम चलेगा, सर्वेज होंगे, सर्वेज की रिपोर्ट्स आएंगी, पता चलेगा कि हाँ किसको इस स्कीम का फ़ायदा मिला है, किसको नहीं मिला है, तभी कुछ हो सकता है। वरना ये डेटास वगैरह तो निकाल लेते पर ऑन ग्राउंड जब देखें वो तो काम ही नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन जो है एजेंसीज की तरफ से, दैट इज़ द क्रक्स इज़ दैट की अवेयरनेस की कमी है, ना ही उनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और लोग भी इतने अवेयर नहीं हैं। तो आप सबके लिए इन सब का क्या मैसेज देना चाहेंगी कि लोग किस तरह से अवेयर हों? देखिए अगेन ये गवर्नमेंट पे ही मैं बात करूँगी, क्योंकि अवेयरनेस की जो हमारी NGOs हैं दैट आर वर्किंग फॉर वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स, उनको चाहिए कि आप अवेयरनेस का एक मुहिम स्टार्ट करें, ताकि आप
यू नो लास्ट विमेन तक पहुँचे, लास्ट चाइल्ड तक पहुँचे, वो अपने राइट्स को अवेयर हो सकें। अगर राइट्स को अवेयर नहीं होंगे, पार्लियामेंटेरियंस, एडवोकेट, जर्नलिज्म, ये पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो अवेयर हैं कि हाँ दिस इज़ द राइट एंड दिस आर द प्रोविजंस एंड दिस आर द पनिशमेंट्स, बट जो लोगों के लिए लॉज बनाए गए हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उन लोगों तक अवेयरनेस पहुँच रही है, यू नो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है दैट इज़ द गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट कर भी रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, अवेयरनेस रैलीज निकालते रहते हैं, अब ड्यू टू लॉकडाउन ये सब नहीं हो पा रहे हैं परफेक्टली, लेकिन हाँ उनको करना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके एंड एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करके वो अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस, यू नो आपने जैसे बोला, अवेयरनेस प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब अवेयर होगा, एक वेमेन अवेयर होगी उसके राइट्स के लिए, एक बच्चा अवेयर होगा उसके राइट्स के लिए, तभी वो आगे इस चीज़ पे इनिशिएट कर पाएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मीनू पादा, जैसे कि इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए, वुमेन के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये कई, ये एक स्कूल चला रही हैं मस्ती की पाठशाला, ऐसे ही और भी ये स्कूल रन करना चाहती हैं जम्मू में, तो हम भी अपनी बेस्ट विशेस देंगे कि अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हो। और बहुत ही अच्छा काम, जो लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं हैं वो भी अवेयरनेस लें। अगर किसी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है वो अपने घर पे जो है उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करे। अगर कोई बच्चा चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है उससे बाकी भी ध्यान रखें कि ये बहुत ही बुरा है, किसी बच्चे से हम उसका हक छीन रहे हैं, उसे पढ़ने की तरफ मोटिवेट करें। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।